देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप 10 खबरों से। यूपी में फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी। आज बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की करेंगे अपील। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देवरिया और बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम में गोरखपुर में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित नहीं होगी। 25-26 फरवरी को परीक्षा होगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि स्थगित करने की मांग नहीं है न्यायोचित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। अलवर के कठुमर पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। खरीली विद्युत विभाग के सहायक अभियंता हिम्मत सिंह परिहार को कठमुर उपमंडल अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। भरतपुर में नशेड़ी युवक ने पेट्रोल छिड़क कर अपनी ही गाड़ी में लगा ली आग। पत्नी के तानों से युवक था परेशान। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटा में 15 साल की छात्रा के हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी गौरव जैन को गुड़गांव से किया गया गिरफ्तार। हत्या के 8 दिन से चल रहा था फरार। बाड़मेर में नेशनल हाईवे 68 पर कुशल वाटिका के पास टर्बो और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की दर्दनाक मौत। देश में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। 24 घंटे में 13,405 नए केस आए सामने। वही 235 मरीजों ने गवाई जान। प्रदेश में कोरोना के मामले हुए कम। एक दिन में 563 नए केस। 7 की दरमियान मौत। संक्रमितों का कुल आंकड़ा हुआ 12,75,000 के पास।